जय श्री बाबा बैद्यनाथ। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और अभी इस वक्त मैं हूँ देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में। वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को, बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि झारखंड राज्य के देवघर शहर में पड़ते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा। तो भाई जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से ग्रिल बनी है, मेन रोड पर बनी है। और इस ग्रिल से जो कांवर लोग होते हैं जल चढ़ाने के लिए आते हैं। वैसे अभी चल रहा है जनवरी का महीना, और भाई मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये वीडियो कब आएगी, थोड़ी लेट भी आ सकती है। तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर से लोग प्रवेश करके, श्रद्धालु भक्त लोग प्रवेश करके और बाबा बैद्यनाथ के जो जल चढ़ाने जाते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। अगर आप लोग बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने आते हैं तो आप लोगों को लाइन लगाकर ही जाना पड़ेगा ऊपर से, कुछ इस प्रकार से जैसे वो लोग जा रहे हैं। इस द्वार का नाम सिंह द्वार है, जो कि कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ से भी प्रवेश करके श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं बाबा बैद्यनाथ के। मुझे लगता है कि मोदी जी आए थे कुछ समय पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में, और शायद इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से एक कॉरिडोर बनेगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करने का देखिए ये है पश्चिम दरवाज़ा, और कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से श्रद्धालु पश्चिम दरवाजे से बाहर निकल भी रहे हैं। मंदिर के अंदर ही आप लोगों को फूल माला बेलपत्र वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बैद्यनाथ मंदिर का निकास द्वार है, दर्शन करके श्रद्धालु यहीं से बाहर निकलते हैं। मंदिर के अंदर जगह कम होने की वजह से श्रद्धालु हैं जो अपने कांवर लोग हैं वो कांवर अंदर ही छोड़ देते हैं, और लोगों को जो दर्शन करने में परेशानियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। और यहां अंदर भाई साहब हज़ारों की तादाद में तो जो है पंडा बैठे हुए हैं। ये सामने वाली मंदिर है बाबा बैद्यनाथ जी की, और इसी के जस्ट सामने वो माँ पार्वती जी की मंदिर है। सिंह द्वार के जस्ट सामने एक कुआं है, और कुआं से पानी भरकर यानी कि जल भरकर पंडा लोग देते हैं कांवर लोगों को जो जल चढ़ाने जाते हैं श्रद्धालु लोग, और वो पैसे भी लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। हर सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ लगती है। बैद्यनाथ जी के मंदिर के अंदर हूँ, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, क्राउड है बहुत ही ज़्यादा, और कांवर लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है भाई जल चढ़ाने वालों की। आप श्री सरदार पंडा द्वार से प्रवेश करेंगे, आपके राइट साइड में निःशुल्क नहाने की, फ्रेश होने की सुविधा मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ बाहर सो भी सकते हैं, लेकिन आपको बाहर सोने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपना कीमती सामान, मोबाइल, पर्स वगैरह सारी सुरक्षित करके रखनी पड़ेंगी। ये देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से बहुत बड़ा सा हॉल है, ग्राउंड है, यहाँ आप रात को सो सकते हैं। ये है शिवगंगा, और कुछ इस प्रकार से श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जाएंगे बाबा धाम में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए।